नमस्कार बच्चों, देखो बच्चों, पेज नंबर 17 के ऊपर मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए जो टेंस हैं उनसे संबंधित जो प्रविष्टियाँ एंट्रीज है वो करवा रहा था। और ये जब मैं चैप्टर पढ़ाया था तो उससे पहले मैंने जो टेंस है खासतौर पर चार, प्रेजेंट सिंपल जिसे आप अन्यथा इंडिफिनिट भी कहते हैं, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसे आप अन्यथा प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी कहते हैं, और तीसरा बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट जिसका कोई दूसरा नाम नहीं है, और अंतिम बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसे अन्यथा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इनके बारे में साधारण जानकारी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको दी थी। वजह एक्चुअली ये थी कि इस चैप्टर को पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस चैप्टर में से बच्चों आप प्रत्येक सेंटेंस को गौर से देखें और उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके ठीक बाद आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़ें और उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं, और उसके ठीक बाद तीसरी बार आप इस चैप्टर को रीड करते हैं तो आपको छांटना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अंतिम बार आपको छांटना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसके सेंटेंस आपको इस चैप्टर में सबसे कम मिलेंगे। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो है सबसे कम होता है, ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो एरर करते हैं, गलतियां करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम एरर्स होती है बच्चों वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बच्चों जब मैंने आपको बताना शुरू किया था तो पेज नंबर 16 के ऊपर आप जरा देखना एक बार, ब्रैकेट में लिख देखो बच्चों, एक सेंटेंस लिखा हुआ द सनराइजेज इन द ईस्ट। ये दो बातें हैं, पहली बात तो बच्चों जो ईस्ट है ये दिशा का नाम है, इसलिए इसका पहला अक्षर हमने कैपिटल में लिखा है, और दूसरी बात आपको आर्टिकल में मैंने समझाया कि दिशाओं के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आप ये देखते हैं कि दूसरे वाले सेंटेंस में आ रही है हैबिट। कोई काम अगर आप रोज रोज करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को भी आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। रेगुलरिटी का मतलब नियमितता होता है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। जैसे ये टीचर्स इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी पढ़ाता है, ये उसका प्रोफेशन, ये उसका व्यवसाय है। और आगे लिखा बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे आप? डू या डज का प्रयोग करेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। यहाँ बच्चों एक बात ये भी ध्यान रखें आप कि डू और डज का प्रयोग जब भी होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाएगा, कभी नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये स्थिति है। और आज यहाँ कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जिनमें आप क्या करते हैं, जिनका प्रयोग सदैव इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं, वो चीज मैं आपको आगे वाले पार्ट में समझाऊंगा। देखो कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझा रहा हूँ आगे। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ये तो आप सभी जानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस का जब आप हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों तो सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में आपको बोलना चाहिए रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, नहीं उतारो बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसका।
ये जो बी वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, और जो बी वर्ब है बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, और जो बी वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म होती है बच्चों बी डबल ई एन बीन। लेकिन यह आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर यानी जो बी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म रखनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और जो बच्चों यू है उसे अंग्रेजी में सिंगुलर नहीं माना जाता है। यू शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू के बाद जो आएगी वर्ब वह हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में आएगी, हमेशा अपने बहुवचन रूप में आएगी। ठीक है बच्चों, देखेंगे आप। अब मैं आपको ये जो पेज नंबर 17 है इस पर जो बातें लिखी है ये तो पढ़ने लायक है। यहां पर मुख्य बात बच्चों जो नोट लिखा हुआ नीचे नोट, उस पर आप ध्यान देंगे। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है बच्चों जिनको करने के लिए हमको एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो स्वतः हो जाती है। कोई काम ऐसा होता है जो किया नहीं जाता वो तो हो जाता है। जैसे आप किसी को देख रहे हैं तो आपको देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं लेकिन सामने कोई चीज दिखेगी आपको, तो एस डबल ई सी एक ऐसी वर्ब है जिसमें आई एन जी नहीं जुड़ेगा इन द सेम वे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप भगवान में विश्वास करते हैं कर रहे हैं, तो विश्वास आप करते हैं तो अपने आप हो रहा है, उसमें आई एन जी नहीं जुड़ेगा। उसी तरीके से आपको किसी की याद आ रही है, आप प्रयास थोड़ी कर रहे हैं याद करने का, पर याद आ रही है। तो ये ऐसी कुछ वर्ब्स है बच्चों जिनको करने के लिए आपको आपको मतलब जानबूझ के कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उस वक्त हो जाती है। ये भी कह सकते हैं कि आप सच से वर्ब्स विच आर कनेक्टेड विद अवर सेंसेज, कुछ ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध हमारी ज्ञानेन्द्रियों से होता है, ऐसी क्रियाओं में आई एन जी नहीं जोड़ते। वो क्रियाएं कौन कौन सी है देखें आप। फील, फीलिंग नहीं होता, फील का फीलिंग नहीं होता, फीलिंग होता है पर बच्चों जिरंड के सेंस में होता है, वर्ब के सेंस में नहीं होता। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं आई फील वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद महसूस हो रहा है, लेकिन आई एम फीलिंग नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्या बोलना पड़ेगा, आई फील वेरी सॉरी। सी यू ऐसे नहीं बोलते सीइंग यू इन द सेम वे। आइए देखो हियर, हियरिंग नहीं होता, और हियरिंग में जब आई एन जी जोड़ते हैं तो बच्चों उसका मीनिंग सुनवाई होता है, जैसे कोर्ट में मामले की हियरिंग हो रही है अर्थात अदालत में मामले की सुनवाई हो रही है, उस सेंस में हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते आप कि आई एम हियरिंग स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, मैं बाहर की तरफ एक विचित्र ध्वनि सुन रहा हूं, विचित्र आवाज सुन रहा हूं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गई है। सी स्मेल यानी होता है बच्चों किसी चीज की गंध लेना, गंध तो आएगी, आप लेने लें गंध तो आएगी। उसी तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों एपीआर यानी प्रतीत होना, लुक यानी दिखाई देना, सीम यानी प्रतीत होना, साउंड यानी ध्वनित होना, और टेस्ट यानी स्वाद लेना किसी चीज का, केयर का मतलब किसी की देखभाल करना, डिसलाइक यानी नफरत करना, हेट मानी भी नफरत करना, और फियर का मतलब होता है डरना, लव मानी प्यार करना। ठीक है, समबडी इज लविंग समबडी ऐसे कभी नहीं बोलते हम, समबडी लव्ज समबडी बोलते हैं। क्लियर है, ओके। लेकिन लव में आईएनजी तब जोड़ सकते हैं जब लेटर के एंड में आप लिखते हैं योर लविंग सन, योर लविंग सन आपका प्रिय बेटा, तो यहां पर बच्चों जो सन है वो एक नाउन है, और नाउन के पहले आपने जोड़ दिया लविंग, तो लविंग क्या है ये बच्चों, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है परंतु ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए यहां पर क्या आ सकता है, आईएनजी आ सकता है। और आगे देखिए माइंड है, माइंड यानी बुरा मानना होता है, दिमाग तो होता ही है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि आई डोंट माइंड, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता हूँ, तो आई एम नॉट माइंडिंग नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट माइंड, ओके। आइए देखेंगे, ये विश है, एग्री है, बिलीव है, नो, थिंक, रिमेंबर, बिलोंग, ऑन, ओ, पजे, इन क्रियाओं को बच्चों अलग से लिखना है आपको और याद करना है, और ये ध्यान देना है कि इन क्रियाओं में साधारणतः आई एन जी का प्रयोग नहीं होता, और अगर किसी वाक्य में हो भी रहा है तो ऐसे वाक्य को शुद्ध करने के लिए उसको उसी टेंस के इंडेफिनिट टेंस में बदल देना चाहिए। देखो बच्चों आपसे
देखो बच्चों, पेज नंबर 19 जो है इस पर ये बातें लिखी है, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाता हूँ। आइए पेज नंबर नहीं, हाँ पेज नंबर 18 के ऊपर बता रहा हूँ बच्चों। देखो आप, वेयर इज राम, राम कहाँ है? ही LI लाई अंडर द कार, वो कार के नीचे लेटा हुआ है। वो कार के नीचे लेटा हुआ या लेट रहा है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है बच्चों जिनका आप जब हिंदी अनुवाद करते हो तो रहा नहीं बल्कि हुआ बोलता है। जैसे वो काली साड़ी पहने हुए है, उसी तरीके से वह बैठा हुआ है, उसी तरीके से वह बैठा हुआ है, और जैसे मैंने बोला कि वह लेटा हुआ है, लेट रहा नहीं लेटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये ही बच्चों सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगाओगे, और लाई का क्या करोगे आप, ये लाई है। जब बच्चों इसमें आप ING जोड़ोगे तो सभी जानते हो कि ये क्या बन जाएगा, लाइंग बन जाएगा। वैसे आप जानते हो लाई यानी झूठ बोलना भी होता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है कि इज लाइंग अंडर द कार का मतलब वो कार के नीचे झूठ बोल रहा है। ये वाक्य तो अनुवाद जब हम करेंगे तो यह वाक्य ठीक जम नहीं रहा है, इसलिए इसका सही अनुवाद क्या होगा, वो कार के नीचे लेट रहा है, लेटा हुआ है। आगे देखें, इट इज अ लवली डे, ये बड़ा सुखद दिन है, ये बड़ा सुखद दिन है। तो डे के पहले बच्चों लव आ रहा है, और लव एक नाउन है, और नाउन में आपने LY जोड़ दिया, ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। इट इज ए लवली डे, ये बहुत ही सुखद दिन है। द बर्ड्स, बहुवचन इसलिए आर लगाओ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ो, द बर्ड्स आर सिंगिंग, पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, पक्षी जो है बर्ड्स आर चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब पक्षी चहचहा रहे हैं, या बर्ड्स आर सिंगिंग, पक्षी गा रहे हैं। आइए बढ़े, पक्षी धुन में गा रहे हैं। आइए लेट अस गो आउट, इसका अनुवाद होगा बच्चों आओ बाहर चले, इसमें आओ नहीं है कमॉन, लेकिन बोलना ऐसे ही पड़ेगा आपको, लेट अस गो आउट का आओ बाहर चले। क्यों, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, नॉट कहाँ आएगा, नॉट बच्चों इज एमआर के ठीक बाद आएगा। इट इज नॉट रेनिंग का मतलब बारिश नहीं हो रही है। यहाँ जो बच्चों इट है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है, और आप जानते हो कि समय और मौसम से संबंधित सभी वाक्यों का सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। जैसे मैंने कहा 4 बज गए तो इट इज 4 o'clock बोलना पड़ेगा मुझे, उसी प्रकार से मैं कहता हूँ आज बहुत गर्मी है तो इट इज वेरी हॉट टूडे बोलना पड़ेगा मुझे। वेदर एंड टाइम, द सेंटेंसेज विच आर रिलेटेड विद वेदर एंड टाइम, टाइम और वेदर से, समय और मौसम से संबंधित वाक्यों का कर्ता हमेशा क्या होता है, इट होता है। आइए देखेंगे, आई रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज, दीज डेज आ जाए बच्चों तो हमेशा वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, अधिकांश तक, कभी कभी पास्ट कंटिन्यूस का भी हो सकता है, पर देखो आप इसमें ING जुड़ेगी, क्या लिखोगे आप, आई के साथ तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आई के साथ तो बच्चों आपको इज एम आर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आई के साथ तो एम आएगा। आई एम, रीड में ING जोड़ो, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज, मैं इन दिनों एक बेहद रोचक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, एट प्रेजेंट, अंडरलाइन कीजिए बच्चों से, हमेशा याद रखो एट प्रेजेंट होता है, ऑन प्रेजेंट नहीं होता, इन प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान से सुनो इस बात को, ये याद रखने वाली बात है, इडियोमेटिक है एट प्रेजेंट, एट लास्ट, एट फर्स्ट, एट नाइट, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द कॉर्नर, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट माई ब्रदर, सॉरी एट प्रेजेंट माई मदर, मदर तो सिंगुलर है, इसका प्रयोग करो, एट प्रेजेंट माई मदर इज कुकिंग इन द किचन, यानी अभी मेरी माँ रसोई में कुकिंग कर रही है, खाना पका रही है, भोजन पका रही है, क्लियर है। नेक्स्ट, दैट चाइल्ड, यानी वह लड़का, सिंगुलर तो लगाओ, दैट चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज हर मदर इज नॉट देयर, वह बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी माँ वहां नहीं है। दैट चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज हिज मदर इज नॉट देयर, वो बच्चा रो रहा है क्योंकि हर मदर इज नॉट देयर, क्योंकि उसकी मम्मी वहां नहीं है। हर को अंडरलाइन कीजिए बच्चों, हर से पता चल रहा है कि वो लड़का नहीं है, वो लड़की है। वैसे साधारण नियम एक ये है बच्चों कि चाइल्ड शब्द का प्रयोग अगर हुआ है, देखो चाइल्ड, चाइल्ड शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में हिज या हर आ रहा है तो साधारणतः गलत आ रहा है, इट्स का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, इट्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है बच्चों, जैसे बेबी शब्द है BABY बेबी, उसी प्रकार चाइल्ड, और उसी प्रकार से क्या बताया मैंने, इन्फेंट। ध्यान दो, क्लियर करता हूँ बोर्ड के ऊपर,
ए बेबी फील्स कंफर्ट इन ए बेबी फील्स कंफर्ट इन हिज मदर्स आर्म। एक बच्चा अपनी माँ की बाहों में सुकून महसूस करता है। यहाँ देखो बच्चों दो बातें हैं। नंबर एक तो बेबी आ रहा है इसलिए आपको यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ इट्स का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात बच्चों में मुझे आपको ये बतानी है कि बेबी के बाद ये जो फील आ रहा है इसे आप यूँ नहीं कर सकते कि ये बेबी इज फीलिंग। मैं समझाना चाहता हूँ कि फील में आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात बच्चों, ये मदर्स है और ये मदर्स है, आप जानते हो दोनों का फर्क। इसका मतलब तो कई माताएं प्लूरल हो गया है, मदर्स तो क्या हो गया कई माताएं प्लूरल हो गया है, और ये लगाया हमने अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है माँ की, माँ का, माँ के। ये क्या बताता है? ये बताता है बच्चों जीजन बताता है, ये रिलेशन बताता है, का की के का भाव देता है। ये क्लियर है? सीबीआई मैंने बोर्ड पिछले लिखा, सी यानी चाइल्ड, बी यानी बेबी, और आई का मतलब लिखा इन्फेंट। ये ऐसे शब्द हैं अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग हुआ है तो पजेजिव के अर्थ में इनके साथ साधारणतः हिज या हर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु इनके साथ में इट्स का प्रयोग करना चाहिए। आइए बढ़ाएंगे आप। हर आंट स्टे विद अस फॉर ए वीक, उसकी चाची हमारे साथ एक सप्ताह से रह रही है। तो बच्चों आपको ये सेंटेंस दो प्रकार से बना सकते हो। पहला तो ये है कि हर आंट इज एक वचन है और स्टे में आईएनजी जोड़ो। हर आंट इज स्टेइंग विद अस फॉर ए वीक, अर्थात उसकी चाची हमारे साथ एक सप्ताह से हमारे साथ ठहरी हुई है, एक अर्थ तो इसका ये हो गया है। और बच्चों चूंकि इसमें फॉर ए वीक आ रहा है इसलिए आप इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं, यानी यहां पर आप हैज बीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। हर आंट हैज बीन स्टेइंग विद अस फॉर ए वीक, ठीक है। हाउ डू यू नो दैट, आप ये बात कैसे जानते हैं कि आई एम लगाओ, आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ, आप कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे आपको ये बात पता चल सकती है कि मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं। और आगे देखो, द चिल्ड्रन आर वेरी क्वाइट, बच्चे बहुत क्वाइट हैं। क्वाइट का मतलब जानते हो बच्चों, दो शब्द बताता हूं कई बार, इधर देखो ये है क्यू यू आई टी ई, क्वाइट यानी होता पूरी तरह, और ये होता है क्यू यू आई ई टी, इसका मतलब होता खामोश या चुप। जब मैं कहता हूं कीप क्वाइट, चुप रहिए, मैं ये बोलता हूं। जब मैं कहता हूं आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहां बिल्कुल ठीक ठाक हूं, तब मैं ऊपर वाली क्वाइट का प्रयोग करता हूं, इसका हिंदी अनुवाद बिल्कुल, और इसका अनुवाद होता खामोश या चुप, ठीक है। द चिल्ड्रन आर वेरी क्वाइट यानी बच्चे बहुत खामोश हैं। बच्चों की आइए देखा प्रयोग क्यों हुआ है, कई बार कहा है कि पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले साधारणतः द नहीं आता, केवल विशेष परिस्थिति में आ सकता है। यहां पर आप दुनिया के सभी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां आप बच्चों की समष्टिगत संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, आप यहां पर कुछ पर्टिकुलर बच्चों की स्पेसिफिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए देखा प्रयोग हुआ है। द चिल्ड्रन आर वेरी क्वाइट यानी बच्चे बेहद खामोश है, गो एंड सी, जाओ और देखो वॉट दे आर डूइंग। ये इनडायरेक्ट का वाक्य है बच्चों, इसी कारण से वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले नहीं हो रहा है। शुद्ध क्या बनेगा, गो एंड सी व्हाट दे आर डूइंग, जाके देखो कि वो क्या कर रहे हैं। आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग, से जब बोलेंगे तो उसके लिए तो प्रयास होगा, तो उसमें तो आईएनजी जुड़ेगा, लेकिन एस डबल ई सी जो वर्ब है बच्चों उसमें आपको आईएनजी नहीं जोड़ना चाहिए। वाक्य क्या बना, आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग, आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग, देखो बच्चों यहां वाट आ रहा है लेकिन वाक्य के अंत में क्या नहीं आ रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा है। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग, मैं सुन नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से दो मिनट का ब्रेक लेने के बाद में हम आगे वाली बात करें।
तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज करके बताता हूं। पहली बात बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जिसका हिंदी अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में हमें क्या बोलना पड़ेगा, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे। ये तो हिंदी अनुवाद करने वाली बात हुई। अब बात इंग्लिश की है, तो किसी भी सेंटेंस में बच्चों अगर आपने देख लिया इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, क्या कहा मैंने, किसी भी सेंटेंस में अगर आपने देख लिया इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये इज एम और आर, और उसके साथ आ रहा वर्ब की चौथी फॉर्म। चौथी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को ही चौथी फॉर्म कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर ये आ रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो वाक्य कौन से टेंस का है, कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर है बच्चों? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ने के नियम बताए थे मैंने कि सबसे पहले क्या करते हो आप, जैसे मान लो ये सिंह है और इसमें आपको आई एन जी जोड़ना है तो कोई समस्या नहीं है, सीधे से जोड़ दो आप सिंगिंग। एक बात। दूसरी बात बच्चों, जैसे ये रन है इसमें अगर आप आई एन जी जोड़ते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये क्या बच्चों, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और इसके ठीक पहले वोवल आ रहा है। तो आई एन जी जब जोड़ोगे तो आर यू डबल एन आई एन जी अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा। क्लियर है? उसी तरीके से बच्चों रीप है, आर ई ए पी, रीप यानी फसल काटना होता है। आप देख रहे हैं कि पी के ठीक पहले एक नहीं बल्कि दो वोवल एक साथ आ रहे हैं, इसलिए जब आप इसमें आई एन जी जोड़ोगे तो बच्चों आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करना और सीधे आपको यों जोड़ देना। ठीक है बच्चों? और अंतिम बात इससे संबंधित यह है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रियाएं ऐसी है जिनके अंत में क्या आ जाता है, कुछ क्रियाएं ऐसी है बच्चों जिनके अंत में, जैसे मान लो यह है एल आई ई, लाई है, तो इसके अंत में आई ई का प्रयोग हो रहा है, तो जिन क्रियाओं के अंत में आई ई आता है उसमें एल आई ई को वाई में बदलेंगे और फिर आप आई एन जी जोड़ें। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ने के नियम है। ठीक है? अगर साधारणतः आपको आई एन जी जोड़ना चाहिए, अगर अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके ठीक पहले क्या आ रहा है, एक वोवल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। लेकिन अगर अंत में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके ठीक पहले लगातार दो वोवल आ रहे हैं तो उसमें आई एन जी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना चाहिए। और अगर किसी वर्ब के अंत में आई ई आ रहा है, जैसे लाई होता है, जैसे टाई होता है, टी आई टाई यानी बांधना, उसी तरीके से डी आई डाई यानी मरना, ऐसे। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करते वक्त जो है ये परिवर्तन करेंगे कि एल वाई जो है उसको एल आई ई को, आई ई को आप वाई में बदल देंगे। एक विशेष बात और सुनो, जैसे मान लो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है बच्चों जिनके अंत में ई आता है, देखना आप ये मेक है, अब मेक में आपको आई एन जी जोड़ना है तो आपको क्या करना है, ये अंतिम ई है इसको हटा देना है, देखो ये हो गया मेक। ऐसे आप अंतिम ई को हटा देते हैं। इस नियम का एक अपवाद है, वो अपवाद बताता हूं। ये क्रिया बच्चों आप देखते हो डी वाई ई डाई, और जब आप डाई का मतलब रंगना होता है, जब आप इसमें आई एन जी जोड़ोगे बच्चों तो ई को नहीं हटाओगे, ये यों होगा। अगर आपने इसको में ई को हटा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा आई एम डाइंग, एक का आई एम डाइंग का मतलब मैं मर रहा हूं, अगर आपने ई को हटा दिया तो, और ई रखा तो इसका मतलब मैं डाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं डाई कर रहा हूं, ये वर्ब जो है इसका अपवाद है। ठीक है बच्चों? एक बात ये भी समझे कि किसी सेंटेंस में अगर परमानेंट अरेंजमेंट का भाव है तो आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर टेम्पररी अरेंजमेंट का भाव है, अगर किसी सेंटेंस में परमानेंट अरेंजमेंट, टेम्पररी अरेंजमेंट, टेम्पररी है तो कंटिन्यूस आएगा, और अगर परमानेंट अरेंजमेंट है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। कैसे? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, दिस रोड रन्स फ्रॉम जयपुर टू कोटा, ये सड़क जयपुर से कोटा जाती है, तो ये परमानेंट है इसलिए बच्चों प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया गया है। हम ऐसे नहीं बोल सकते दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा। उसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि ही लिव्स इन दिल्ली विद हिज फ्रेंड दीज डेज, इन दिनों वह अपने दोस्त के साथ दिल्ली में रहता है, तो रहता नहीं, रह रहा है, क्या बोलना पड़ेगा, ही इज लिविंग इन दिल्ली विद हिज फ्रेंड दीज डेज, इन दिनों वह अपने मित्र के साथ दिल्ली में रह रहा है। आप ये समझें, अगर स्थायी गतिविधि है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, लेकिन अगर अस्थायी गतिविधि है तो कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है बच्चों? दूसरी बात आपको ये बताई कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो यहाँ किताब में बताई आपको, उनका प्रयोग मतलब उनमें आईएनजी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए,
उनका प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं करना चाहिए, और अगर हो रहा है तो ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए उसे इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देना चाहिए। ये जानकारी आपको दी गई। ओके, इसके अलावा बच्चों जब इफ वाले सेंटेंस होते हैं, इफ वाले, तो इफ वाले सेंटेंस की खास बात होती है, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। यहां पर आपको देखना चाहिए कि जो इफ वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा अगर आगे विल या शैल का प्रयोग हो रहा है तो। अगर मैन क्लोज में विल या शैल का प्रयोग हो रहा है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग हो रहा है तो आपको इफ क्लोज में किसका प्रयोग करना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल की खास बात क्या होती है, या तो वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसमें जुड़ा हुआ होगा एस या ई एस। लेकिन अगर वाक्य साधारण नहीं है तो डू या डज का प्रयोग होगा और उसके साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात थी, ये आपकी समाप्त हो गई है। और आगे आप देखो बच्चों, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी क्या स्थिति है। देखो ये जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें लिखा स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है राम हैज ब्रोकन हिज लेग, राम ने अपनी टांग तोड़ ली है। नहीं, राम ने अपनी टांग तुड़वा ली है। दरअसल कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, फ्लाई माने उड़ाना और फ्लाई माने उड़ना। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट्स इन द स्काई, बच्चे आकाश में पतंग उड़ा रहे हैं। फ्लाई माने उड़ना भी होता है, फ्लाई माने उड़ाना भी होता है। तो ब्रेक यानी तोड़ना और ब्रेक माने तुड़वाना, ठीक है। इसका अनुवाद क्या होगा, राम इज ब्रोकन इज लेग का मतलब राम ने अपनी टांग तुड़वा ली है। नेक्स्ट, यहां बच्चों हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हर वॉइस हैज टर्न्ड रफ, उसकी आवाज कैसी हो गई है, उसकी आवाज कर्कश हो गई है। पहले तो बहुत मधुर थी लेकिन अब उसकी आवाज बेहद कर्कश हो गई है, रफ हो गई है। हैव यू फिनिश्ड योर डिनर, या हैव का प्रयोग आपने कर्ता के पहले किया है तो बच्चों वाक्य कैसा बन गया, प्रश्नवाचक। हैव यू फिनिश्ड योर डिनर का मतलब ये हुआ, क्या आपने अपनी ब्यालू, क्या आपने अपने रात्रि का भोजन समाप्त कर लिया है, क्या आपने अपना रात्रिकालीन भोजन समाप्त कर लिया। डिनर, और डिनर के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, भोजन के नामों से पहले आर्टिकल नहीं आता। डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, लंच एटसेट्रा। नेक्स्ट, ही हैज नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम यूरोप, वो यूरोप से नहीं लौटा है। रिटर्न के बाद में क्या नहीं आता बच्चों, रिटर्न के बाद में कभी बैक नहीं आता, बी ए सी के बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरोप को अंडरलाइन कीजिए, यूरोप एक महादेश है, यूरोप एक महाद्वीप है, और महाद्वीपों के नाम के आगे चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंटिनेंट, किसी भी महादेश या महाद्वीप के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना सख्त मना है। क्लियर है? ये बातें थी बच्चों, या मुख्य मुद्दे की बात जो मेरे समझ में आई है, इन सभी वाक्यों को पढ़ के हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो सिर्फ इतना है कि आप प्रथम दृष्टिया एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट ग्लांस कैसे पहचानेंगे आप कि दिया हुआ वाक्य, आप ये कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य कौन से टेंस का है, आप ये कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसको पहचानने के लिए बच्चों सीधा सा तरीका है, किसी भी वाक्य में हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपको उस वाक्य को देखते ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। एक बात, जब भी आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो कैसे करोगे, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूं। दो तरीके से अनुवाद कर सकते हैं इसको, एक तो मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूं, एक ही बात है। उसी तरीके से मैंने अपना डिनर समाप्त कर लिया है या मैं अपना डिनर समाप्त कर चुका हूं, ठीक है। यानी वाक्य के अंत में ये आना चाहिए, फला काम हो गया है, कर लिया है, या चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं। इस तरीके से आप इसका हिंदी अनुवाद करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात ये भी बच्चों कि ये जो टेंस होता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि कुछ वाक्य ऐसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे ऑलरेडी आ जाए। क्या बताया मैंने, ऑलरेडी, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया यट, लेकिन यट के साथ साधारणतः नोट जरूर आता है, ये भी याद रहे, यट का प्रयोग होता है। और आता है जस्ट नाउ, और आता है सो फार। इन शब्दों को नोट कीजिए बच्चों, दीज आर द इंपॉर्टेंट एडवर्बियल्स, ये बड़े महत्वपूर्ण सूचक शब्द हैं जिन वाक्यों में ऑलरेडी आता है, नॉट येट आता है, जस्ट नाउ आता है, सो फार आता है, ठीक है। इसे यूं कर सकते हैं आप, या जी से, इसका मतलब हो गया या तो येट आएगा या ऑलरेडी या जस्ट नाउ, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, ये जो आई है बच्चों इसका मतलब होता है इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम,
इत्यादि का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं कहता हूं इट इज फर्स्ट टाइम आई केम इन जयपुर, ये गलत है। शुद्ध क्या होगा? इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन जयपुर। मैं समझाना चाहता हूं अगर किसी वाक्य में आ जाए इट इज फर्स्ट या सेकेंड इत्यादि टाइम, अगर किसी वाक्य में इट इज फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम इत्यादि आ जाए, इसे शुरू हो रहा वाक्य, तो ऐसे वाक्य में जो टेंस आएगा बच्चों कौन सा होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखेंगे यार। एक बात इसमें यह भी बताई है कि जिन वाक्यों में बच्चों सिंस या फोर आ जाए, ये आ गया सिंस और इसके बाद आ गया कोई क्लोज, क्या आ गया इसके बाद? इसके बाद कोई क्लोज आ गया तो यहां पक्का क्या होगा? यहां पक्का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। कैसे? जैसे मैं उदाहरण से क्लियर करता हूं, आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी वेंट टू अमेरिका। अब सिंस के आगे क्या जोड़ दिया बच्चों? मैंने क्लोज जोड़ दिया, सिंस शी वेंट टू अमेरिका, जब से वो अमेरिका गई है मैंने उसे नहीं देखा है। तो यह क्या बोलना पड़ेगा मुझे? आई हैव नॉट सीन हर, आई डिड नॉट सी गलत है। मैं समझाना चाहता हूं कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है तो सिंस के पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। बढ़ो आइए, इसकी पूर्ति करवाता हूं। पेज नंबर 19 पे आएंगे आप। देखो बच्चों पहला सेंटेंस क्या लिखा है, आई दैट फेलो समवेयर बिफोर। इसका मतलब आप क्या करोगे? आई के साथ में हैव का प्रयोग करो, आई हैव, और ये जो मीट है इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? आई हैव मेट। आई हैव मेट दैट फेलो, मैं उस व्यक्ति से मिल चुका हूं समवेयर, कहीं ना कहीं बिफोर यानी पहले, मैं उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं पहले मिल चुका हूं, मैं उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं पहले मिल चुका हूं। दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक है तो देखो पोस्टमैन सिंगुलर है बच्चों, हेज को आइए लाओ, हेज द पोस्टमैन नॉट कम येट, येट आ रहा है तो नॉट आ रहा है, येट आ रहा है तो नॉट आ रहा, समझ में आ गई है? मैं समझाना चाहता हूं कि जिन सेंटेंसेज में येट का प्रयोग होता है बच्चों उनमें नॉट का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हेज द पोस्टमैन नॉट कम येट, क्या डाजिए अभी तक नहीं आया है। तीसरा देखो, दे ए टेलीविजन सेट, और वर्ग क्रम दिया है बाई, तो दे बहुवचन है, प्लुरल है, हेज यू लगाओ, दे हैव, और वर्ग की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या बनेगी? बी ओ यू जी एस टी, बॉट, दे हैव बॉट द टेलीविजन सेट, अर्थात उन्होंने टेलीविजन सेट खरीद दिया है। राधिका कैन नॉट वॉक, राधिका चल नहीं सकती है, क्यों? शी, अब देखो बच्चों सिंगुलर है तो शी हैज, और आगे क्या लिखा? हर्ट, ये जो हर्ट है बच्चों इसका मतलब होता है चोट पहुंचाना, और इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है, हर्ट हर्ट हर्ट, हर्ट का हर्टेड नहीं होता, तो क्या करेंगे आप? शी हैज हर्ट हर लेग, राधिका चल नहीं सकती है क्योंकि वह अपने पांव को चोटिल कर चुकी है, वह अपने पांव को जख्मी कर चुकी है, इंजर्ड कर चुकी है। नेक्स्ट, माई कार लुक्स लवली, माई कार लुक्स लवली का मतलब मेरी कार खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन बच्चों ऐसे नहीं लिखना चाहिए आपको कि माई कार इज लुकिंग लवली, क्योंकि मैं बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं कि लुक एक ऐसी वर्ब है जिसमें आई एन जी का प्रयोग करना सख्त मना है। ठीक है, लुक में आई एन जी का प्रयोग नहीं होगा, मैं ये समझाना चाहता हूं कि कंटिन्यूस टेंस में उसका प्रयोग नहीं होगा। माई कार लुक्स लवली, मेरी कार बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। आई हैज लगाओ, आई को प्लूरल माना जाता है, अपवाद सिर्फ यह है कि पास्ट टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, वर का नहीं किया जाता। क्लियर है? तो यह क्या क्या आएगा बताओ? यह आएगा देखो, माई कार लुक्स लवली, आई हैव लगाओ, और वॉश की थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ो, ईडी जोड़ो, इसमें क्या बन जाएगा? आई वॉश्ड इट, मैंने इसको धो दिया है, मेरी कार बेहद खूबसूरत दिखाई देती है, मैंने इसे धो दिया है। आगे देखो बच्चों, ये हैज यू को आगे लाओ, यू को हमेशा बहुवचन माना जाता है प्लूरल, इसलिए हैव आगे आएगा। हैव यू, यहां तो हो गया, हैव यू एवर, क्या आप कभी, अब राइड की थर्ड फॉर्म होगी राइड, रॉड, रिडन, आर आई डबल डी ई एन, आर आई डबल डी ई एन, राइड यानी सवारी करना होता है। तो हैव यू एवर रिडन ए कैमल, क्या आपने कभी ऊंट की सवारी की है? हैव यू एवर रिडन ए कैमल, एवर यानी होता कभी, और नेवर यानी होता कभी नहीं। क्लियर है? हैव यू एवर रिडन ए कैमल, क्या आपने कभी किसी ऊंट की सवारी की है? ही, अब देखो बच्चों जस्ट आ गया है, मैंने बताया है, तो क्या करोगे ही के साथ? एक वचन, हैज, ही हैज जस्ट, गो की थर्ड फॉर्म बनाओ, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी भी बाहर गया है, आप 5 मिनट लेट हो गए हैं, वो अभी अभी बाहर गया, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप, वाई, तो बच्चों क्या करोगे आप? या नॉट मेंड आ रहा है तो वाई, अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, तो यू प्लूरल है, इसलिए हैव को लाओ आइए। वाई हैव यू, वाई हैव यू नॉट, मैंड की थर्ड फॉर्म बनाओ, ईडी जोड़ दो, वाई हैव यू नॉट मैंडेड, वाई हैव यू नॉट मैंडेड द फ्यूज, ये जो फ्यूज है इसको आपने ठीक क्यों नहीं किया? जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है, फ्यूज बनते हैं किसी चीज का, कटआउट वगैरह किसी निकाल के, है ना, तो यहाँ बताया गया है कि आपने फ्यूज को, फ्यूज की मरम्मत क्यों नहीं की है, या आपने फ्यूज फ्यूज को ठीक क्यों नहीं किया। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी बॉटल्स द मिल्क मैन, हाउ मेनी बॉटल्स द मिल्क मैन,
अब देखो मिल्कमैन क्या है, सिंगुलर, हेज वो लगाओ, क्या आएगा, हेज। हाउ मेनी बॉटल्स हेज, हाउ मेनी बॉटल्स द मिल्कमैन, हाउ मेनी बॉटल्स द मिल्कमैन हैज, क्या करो ये, या लीव की थर्ड फॉर्म बनाओगे लेफ्ट। लेकिन बच्चों ये सेंटेंस जो है ना, इसे जरा गौर से देखो, इसमें कोई विशेष बात बतानी है मुझे, आपको सुनो आप, मुझे एक्चुअली इसके बारे में विशेष बात यही बतानी है कि ये सेंटेंस ही गलत है। जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है, तो ये व्याकरण के जो मानक व्याकरण के जो नियम हैं, स्टैंडर्ड ग्रामर के जो रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है बच्चों? ये गलत इसलिए है क्योंकि सेंटेंस के एंड में आ रहा क्वेश्चन मार्क, और जिस सेंटेंस के एंड में आता है क्वेश्चन मार्क, उसकी पहली विशेषता यह होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के पहले आना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा देखना, हाउ मेनी बॉटल्स, इस जगह लगाना पड़ेगा बच्चों आपको क्या, हाउ मेनी बॉटल्स हैज द मिल्कमैन लेफ्ट। मैं शुद्ध लिखवाता हूं बोर्ड पे, है ना, वही लिखना आपको जो मैं बता रहा हूं, हाउ मेनी बॉटल्स, कितनी बोतलें हैज द मिल्क मैन लेफ्ट। ये शुद्ध वाक्य है बच्चों, ये जो हैज है ना, इसका प्रयोग मिल्क मैन सब्जेक्ट के पहले होगा, तभी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। क्लियर है, ये शुद्ध कर लेंगे आप। आइए बढ़े, आइए बच्चों देखो, आई तो यहां हैज वो लगाओ, आई के साथ ये आएगा, आई हैव ऑफन, और ये क्या लिखा है बच्चों, आई हैव ऑफन ब्रैकेट में सी लिखा है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, सी सा सेन, सी सा सेन, ठीक है, यही तो होती है, ये सी है, ये है एस ए डब्ल्यू सा, और ये है एस डबल ई एन सी। ये जो बच्चों इसके दो अर्थ होते हैं, नाउन के अर्थ में इसका मीनिंग आरी भी होता है, आरी जिसके द्वारा आप काटते हैं, लकड़ी वगैरह चीरते हैं, तो नाउन के सेंस में अगर आपने इसका प्रयोग किया तो सा का मतलब आरी होता है, लेकिन वर्ब के सेंस में किया तो इसका मतलब देखा होता है। तो देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, आई हैव ऑफन सीन हिम, मैंने उसे कई बार देखा है, मैंने उसे कई बार देखा है, या मैंने उसे कई बार जो है प्राय, मैंने उसको अक्सर देखा है, बट परंतु आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, परंतु मैंने उसे कभी बात नहीं की है। क्योंकि जब भी मैं अपने दफ्तर में जाता हूँ तो उस दफ्तर में क्या है, न जाने कितने कर्म कितने लोग आते हैं, वो भी अक्सर आता रहता है और टकराता रहता है, परंतु मैंने उससे कभी बात नहीं की है। तो यह सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, आई हैव ऑफन सीन हिम, मैंने उसे अक्सर देखा है, मैंने उसे कई बार देखा है, आई हैव सीन हिम मेनी टाइम्स बट आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, परंतु मैंने उससे कभी भी बातचीत नहीं की है। तो इस तरीके से बच्चों ये टेंस आपका समाप्त हो गया है। और आगे वाला जो टेंस है बच्चों, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें काम कंटिन्यू रहता है, लेकिन उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग भी होता है। पहला सेंटेंस देखना, दे हे, तो बच्चों इसमें सहायक क्रिया कौन सी आएगी, हैज बीन एक वचन के साथ, और हैव बीन बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। तो पहले वाले में क्या करोगे, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1954, वे यहां पर्सन को 1954 से रह रहे हैं। दूसरे में क्या करो, ये आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल द मॉर्निंग, सारी सारी सुबह जो है मैं तुम्हारा यहां, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल द मॉर्निंग। तो बच्चों ये ऐसा नहीं आएगा, इसको यू करोगे, आई हैव वेटेड फॉर यू ऑल द मॉर्निंग, मैंने सारी सारी सुबह सारी सुबह जो है मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि सिंस या फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सदैव होता है, परंतु कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो जाता है। जैसे आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स, मैंने इस कॉलेज में 10 साल पढ़ाया है, ठीक है, तो मैंने इस कॉलेज में 10 साल पढ़ाया है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों क्या है, आई हैव वेटेड फॉर यू ऑल द मॉर्निंग, मैंने सारी सारी सुबह तुम्हारा इंतजार किया है, है ना, परंतु आप नहीं आए। आई हैव सीन, सॉरी हैव यू सीन माई बैग एनी वेयर, क्या आपने मेरे बैग को कहीं देखा है, आई हैव लुकड फॉर इट फॉर एजेस, आई हैव लुकड फॉर इट फॉर एजेस का मतलब यह है कि मैंने इसको जो है बहुत समय से ढूंढा है, परंतु ये मुझे नहीं मिला है। ये देखो चौथा सेंटेंस देखेंगे, इट सिंगुलर, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, 2 दिन से बारिश हो रही है, देयर विल बी ए फ्लड सून, जल्दी बाढ़ आ सकती है। पांचवा देखो, ही हैज नॉट स्टॉप्ड ईटिंग सिंस ही अराइव्ड, देखो बच्चों सिंस का प्रयोग हो रहा है, और मैंने पहले ही कहा कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो उसके पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ही हैज नॉट स्टॉप्ड ईटिंग सिंस ही अराइव्ड, जब से आया है तब से उसने खाना बंद नहीं किया है, जब से आया तब से लगातार खाया जा रहा है। और आगे देखेंगे आप, आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने हजारों विद्यार्थी पढ़ाए हैं, बट आई नेवर
बट आई नेवर हैव मेट बट आई नेवर हैव मेट सच ए होपलेस क्लास सच होपलेस क्लास एज दिस. मैंने कई विद्यार्थियों को पढ़ाया है परंतु इतनी होपलेस क्लास जो है जैसे कि ये है मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी. सातवां देखो बच्चों, आई के साथ हैव लगाओ, पंप की थर्ड फॉर्म बनाओ ईडी जोड़ के. आई हैव पंप्ड अप थ्री टायर्स, मैंने तीन टायर पंप मतलब उनमें हवा भर दी है. वुड यू लाइक टू डू द फोर्थ, कि आप चौथे में हवा भरना पसंद करेंगे. आठवां वाक्य है बच्चों, ही एक वचन है, ही हैज बीन वेरी इल सिंस द लास्ट मंथ. या बी जो है बच्चों, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो यहाँ हैज बीन का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. ठीक है, हैज बीन, क्योंकि हैज तो सहायक क्रिया का काम करेगा और बी डबल ई एन बीन थर्ड फॉर्म का काम करेगा. ही हैज बीन इल सिंस द लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने से जो है वह बीमार है. वैसे मजे की बात बताऊं बच्चों, ये आठवां सेंटेंस भी गलत है. वजह क्या है, आप अच्छे समझो, ये लास्ट शब्द है और ये है पास्ट. अगर इनके पहले द आ जाए, ध्यान से देखना आप, अगर इनके पहले द आ जाए और इनके पहले सिंस आ रहा है तो उसे काट के फोर में बदल दो. अगर द आ रहा है तो फोर आएगा, द नहीं आ रहा है तो सिंस ही आएगा. इसलिए बच्चों इसमें क्या आना चाहिए, इसलिए इसमें ये जो वाक्य मैंने बताया आठवां, इसमें सिंस का प्रयोग नहीं फोर का प्रयोग होगा. ठीक है, और आगे देखें आप, आइए, द स्ट्राइक हैज लास्टेड फॉर सिक्स मंथ्स, यानी जो स्ट्राइक की हड़ताल है वो छह महीने चली है. और अंतिम वाक्य है द पुलिस, पुलिस को बच्चों जनरली प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, तो द पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर मी फॉर द, देखो बच्चों यहां देखो फोर आ रहा है, द आ रहा है, इसलिए ये देखो यहां समझो आप, जो मैंने थोड़ी देर पहले गलत निकाला वो यहां निकल गया फॉर द लास्ट, लास्ट के पहले द आ गया, और यही कारण है कि यहां फोर आ रहा है, सिंस नहीं आ रहा, सिंस आ भी नहीं सकता है. तो द पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर मी फॉर द लास्ट फोर डे, यानी पुलिस पिछले चार दिनों से मुझे ढूंढ रही है, पुलिस पिछले चार दिनों से मुझे ढूंढ रही है. तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त, और आगे वाली क्लास में बच्चों हम आपको आगे वाला पाठ पढ़ाएंगे. पहला वाला पाठ आपका अच्छे से जितना मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मैंने पढ़ा दिया. नमस्कार.